डोंट श्रिंक योर गोल इनक्रीज योर एफर्ट टूडे इज सेवेंटीबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन लेट है क्विक डिस्कशन ऑफ ऑल दीज इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रैपिड जी के ये स्टडी क्वेश्चन के आंसर हैं इसराइल और जॉर्डन के बीच में है डेड सी फ्रांस वो कंट्री है जिसने गिफ्ट किया था स्टैचू ऑफ लिबर्टी टू यूएसए इन एटीन एटी सिक्स बर्म्यूडा टाइ ट्राइंगल है अटलांटिक ओशन में स्विट्जरलैंड को बोलते हैं प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप कोलोराडो रिवर है जो फ्लो करती है ग्रैंड कैनियन इन एरिजोना यूएसए आज के सवाल हैं। वेयर इज द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफ ए टी एफ हेडक्वार्टोर पिंगाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यह भी न्यूज में है दिस इज सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है दिस इज लोकेटेड इन विच सिटी हु कंपाइल्स कौन सी बॉडी कंपाइल करती है मेंटेन करती है अकाउंट्स अकाउंट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स सो दीज आर फाइव क्वेश्चन फॉर टूडे आज की वोकैबलरी है अर्स्ट वाइल अर्स्ट वाइल मतलब भूतपूर्व फॉर्मर ओल्ड पास्ट रिसाइन का मतलब होता है रद्द करना रिवोक करना रिपील करना कैंसिल करना इम्पेयर जो रिलेश हैं इंटरशनल रिलेशन इम्पेयर मतलब हानि पहुंचाना डैमेज हार्मिमिनिश पिनेकल पिनेकल मतलब पीक टॉप हाइट समिट स्पलेंडिड स्पलेंडिड मतलब शानदार दैट इज़ वेरी वेरी नाइस दट से एक बाइक आती थी ना स्पलेंडर हीरो सो दिस इज स्पलेंडेड सो दीज आर वोकेबुलरीर वर्ड्स फॉर टूडे इफ़ यू कम अक्रॉस एनी अदर इम्पोर्टेंट वर्ड राइड डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो आज के टॉपिक्स हैं आज हम पढ़ेंगे एनआरसी के बारे में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स विल टॉक अबाउट हाईवे टच डाउन पूर्वांचल एक्सप्रेस वे दिस इज टेम्पल रिचुअल्स करतारपुर कॉरिडोर रीओपन हो रहा है हेरिटेज ढाओ टू शाइन ऑन ब्यूटिफुल गेम्स अरब ट्रेडर्स युद्ध है प्रदूषण के विरुद्ध विल प्रिपेयर वन क्वेश्चन यू एन टूरिज्म ऑनर कर रहा है वीवर्स हब पोचम पल्ली पोचम पल्ली फैब्रिक विशाखापट्टनम है फॉर मोर देन वेवर काटसा के बारे में आज हम एडिटोरियल टेक देखते हैं देन दिस इज अंबर ऑन इकोनॉमी रिवाइवल काबुल काश्मीर एंड रिटर्न ऑफ रियल पॉलिटिक रियल पॉलिटिक एंड आउटरीच टू ट्राइबल्स दैट चेक्स ऑल द बॉक्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वेरी इम्पोर्टेंट आर्टिकल देन नेवीज प्लान फॉर अ वन सेवेंटी शिप फोर्स ऑन कोर्स इंडियन ओशन रीजन दिल्ली के स्कूल हैं बाइडन और शी जिनपिंग की मीटिंग है शक्तिकांता दास साहब का स्टेटमेंट है डिजिटल करेंसी का प्लान मेड इन चाइना कैन वी वॉश अवे द रेन्स दीज आर सम इम्पॉर्टेंट बुक्स वेस्टर्न गार्ड्स में वेस्टर्न गार्ड्स एंड चेंजिंग पैटर्न ऑफ मॉनसून और नेचुरल डिजास्टर्स देन इससे रिलेटेड एक सवाल तैयार करेंगे ये आज का क्विज है द हिंदू का दिस इज ट्रांसफर इन ट्रांसपेरेंसी एंड पूर्वांचल एक्सप्रेस वे सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन नेक्स्ट अबाउट थर्टी फाइव टू फोर्टी मिनट्स अवर रेफरेंस मटीरियल इज दिस दिंदू एंड दिस इज इंडियन एक्सप्रेस बोथ आर दिल्ली एडिशन सी ये फ्रंट पेज का फर्स्ट न्यूज है श्रीनगर में वॉयलेंस रिटर्न हो रहा है नॉट एट ऑल राइट एन आर सी ओनली वन जीरो थ्री टू डाउटफुल केस इज रेफर्ड फॉर रिव्यू ये क्या न्यूज़ है एन आर सी की नाइनटीन लैक पर्सन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फाइनल लिस्ट ऑफ असम तो ये एक स्क्रीनिंग हो रही है स्क्रीनिंग हो रही है स्क्रीनिंग का नाम है दिस एन आर सी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स ये क्या है एन आर सी क्या होता है एक रजिस्टर है एक रिकॉर्ड है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स कि कौन से लोग सिटिजन हैं सिटीजन मतलब होता है नागरिक नागरिक हैं इंडिया के उसका जो रिकॉर्ड होता है वो कहलाता है एन आर सी तो एन जो होता है रिकॉर्ड वो कंटेन करता है जेनुन इंडियन सिटीजन्स को एट प्रेजेंट ओनली असम हैज़ सच अ रजिस्टर जो असम अकॉर्ड 1985 में साइन हुआ था उसके बाद असम में केवल एन कराने की बात थी अब एन हुआ तो कुछ जेनुन लोगों के भी एन में नाम नहीं आए वो अदरवाइज सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं बट एन में बिकॉज दे प्रोड्यूस अ रिकॉर्ड उनका नाम आया नहीं तो क्या उनको अब इंडियन सिटीजनशिप से डिप्राइव कर दिया जाएगा एंड दिस इज नॉट अ स्मॉल नंबर 19 लाख वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फाइनल लिस्ट ऑफ असम असम फाइनल लिस्ट फॉर नेशनल रजिस्टर सिटीजनशिप अब आज की तो ये न्यूज है बैक स्टोरी क्या है तो बैक स्टोरी के लिए चलते हैं ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ सेप्टेंबर को इस दिन हमने पढ़ा था एन आर सी प्रोसेस तो सी दीज आर नोट ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ सेप्टेंबर ये सारे नोट्स आप वेबसाइट पे जाओ सृजन इंडिया डॉट वन वहाँ पर नोट्स डाउनलोड सेक्शन है उसमें गूगल ड्राइव में ये सारे अपडेटेड हैं नवंबर अक्टूबर का भी मैं आज अपडेट कर दूंगा गेट एक्सेस ऑफ ऑल दीज नोट्स ये सारे हाई क्वालिटी पी डी एफ्स वहाँ पर अपलोडेड है ओके okay? तो जैसे ये एन आर सी की बात थी वेर इज़ एन आर सी दिस इज एन आर सी ये एक एडिटोरियल भी आया था डन एंड डस्टेड एन प्रोसेस को क्लोजर ज़रूरी है फिर से रिबूट नहीं करें तो अगेन इंडिया जब आज़ाद हुआ 1947 में तो बात हुआ कि एक रजिस्टर बनाया जाए जिसमें सारे इंडियन सिटीजन्स का रिकॉर्ड हो बिकॉज इंडिया का जो इंडिपेंडेंस मिला उसमें हुआ था पार्टीशन पार्टीशन तो बहुत सारे जो पीपल हैं उनका फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान पाकिस्तान टू इंडिया ऐसे मूवमेंट हुआ था तो वी रिक्वायर्ड वन रजिस्टर वन रिकॉर्ड जिसमें सारे सिटीजन्स का डेटा हो तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन की बात हुई थी एक रजिस्टर बने जिसमें सारे जेन्यन इंडियन सिटीजन्स अब देखिए सिटीजन और रेसिडेंट में डिफरेंस होता है रेसिडेंट वो होता है जो इंडियन टेरिटोरी में रह रहा है ज़रूरी नहीं है कि वो इंडिया का सिटीजन हो अब ये रेसिडेंट लीगल रेसिडेंट भी हो सकता है और इ रेसिडेंट भी हो सकता है लीगल रेसिडेंट वो होगा जो वीजा के थ्रू इंडिया आया है काम कर रहा है इ रेसिडेंट वो होगा जो बिना वीजा के इंडिया में रह रहा है तो वो इलीगल है तो इंडियन सिटीजन होता है इंडियन सिटीजन मतलब जिसको नागरिकता मिली है वो इंडिया का सिटीजन है और जो आधार है आधार इज नॉट फॉर सिटीजनशिप आधार इज ओनली फॉर आइडेंटिफिकेशन कि ये पर्सन ए है तो दिस इज द प्रूफ बायोमेट्रिक्स चेक कर लो रिकॉर्ड के थ्रू आधार के थ्रू कि दिस इज दिस पर्सन ए दैट्स ऑल्ड आधार मतलब सिटीजनशिप नहीं होती है एनआरसी का मतलब सिटीजनशिप होता है तो फर्स्ट एनआरसी 1955 में हुआ जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था उसकी बैकड्रॉप में अब क्या हुआ कि जो पाकिस्तान बना तो उस टाइम का पाकिस्तान एक तो ये वेस्ट पाकिस्तान था और दूसरा ये ईस्ट पाकिस्तान था 1971 आते आते ईस्ट पाकिस्तान पे बहुत अट्रॉसिटीज़ कर रहा था ये वेस्ट पाकिस्तान तो ईस्ट पाकिस्तान में बात हुआ इंडिपेंडेंस का अभी कुछ ही दिन पहले हमने पढ़ा रहमान फिफ्टी ईयर्स कम्प्लीट हुए तो बांग्लादेश लिब्रेशन हुआ नाइनटीन में अब ये लिबरेशन हुआ तो बिकॉज अट्रॉसिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हुई तो एक्जोड ऑफ पीपल फ्रॉम बांग्लादेश एंटर्ड इन टू एडजॉइनिंग इंडियन स्टेट्स एस्पेशली इन असम मास माइग्रेशन हुआ इंडिया में तो तब से ये डिमांड होने लग गया कि वापस एक एन कराया जाए असम में ताकि ये पता चले कि यहाँ के सिटीजन्स कौन है और सिटीजन्स नहीं इसका और भी एक पी डी एफ है एल शेयर जिसमें बहुत सारी कंडीशनैलिटीज़ हैं कि 1971 में डिमांड स्टार्ट हुआ देन इसके बाद फिर असम अकॉर्ड बना असम अकॉर्ड में किन लोगों को इंक्लूड किया जाए क्या रिकॉर्ड क्या डेटा लाएंगे तो उनको एनआरसी में इंक्लूड होगा लाइक like दैट मुद्दे की बात यह है कि फास्ट फॉरवर्ड टू टू अपडेट करने की बात हुई रजिस्टर को एनआरसी और स्पेशली फॉर असम इंडिया में आज तक केवल एक ही बार एनआरसी हुआ है इक्यावन का पर असम में स्पेसिफिक रीज़न बिकॉज ऑफ सेवेंटी वन बांग्लादेश लिबरेशन वॉर सेकेंड टाइम असम में एनआरसी की डिमांड आई और ये डिमांड बहुत टाइम से चल रही है नाइनटीन एटी फाइव अकॉर्ड के टाइम से दो हजार तेरह में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम अपने अंदर अपने सुपरविजन में ये प्रोसेस स्टार्ट कराएंगे तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ और उसमें ये एन की प्रोसेस हुई अब कल हमने डीमोनेटाइजेशन देखा था ना इतने ह्यूज स्केल में अगर कोई प्रोसेस होती है तो उसमें डिफ़िकल्टी आना तय बात है कुछ लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है रिकॉर्ड्स प्रॉपर नहीं है या फिर उनका ट्रेस नहीं किया जा पा रहा तो है, है तो बहुत सारे जो जेन्यन लोग हैं वो भी बिकॉज़ रिकॉर्ड नहीं ला पाए तो उनका एनआरसी में नाम नहीं आया सो दैट इज़ वाई ये पूरी प्रोसेस बहुत ज़्यादा मडल्ड हो गई अब बात ये थी एडिटोरियल में कि अब ये टाइम है इसका एक हम क्लोजर करें प्रोसेस बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है पैंडमिक के कारण कॉन्ट्रोवर्सी भी हो रही है तो क्लोजर इज़ रिक्वायर्ड ये बात थी अब क्लोजर करें तो बहुत सारे जेनुन लोग हैं जेनुन लोग भी मिस नहीं होने चाहिए दिस शुड वी शुड टेक केयर तो ये यहाँ पे अभी आर्ग्यूमेंट्स चल रहा है सी फाइनल ड्राफ्ट में इतने 19 लाख लोगों का नाम नहीं है दिस इज़ अ वेरी बिग नंबर सी गवर्नमेंट यहाँ पे क्या डिसीजन लेती है और ये जो लोग हैं ना इनको इन कैटेगरी में रखा है एक हज़ार बत्तीस जिसे उन्नीस लाख लोगों का नाम नहीं है उनमें से केवल एक हज़ार बत्तीस लोगों को ही रिव्यू के लिए रखा है बाकी लोगों को नहीं रखा है तो ये रिव्यू है एक हज़ार बत्तीस का जिन्हें इस कैटेगरी में रखा है कि वो डाउटफुल वोटर्स हैं डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स हैं रेफरेंस पेंडिंग एट फॉरन ट्रिब्यूनल्स हैं डिसेंडेंट्स हैं डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स हैं लाइक इन पर रिव्यू होगा इनका रिव्यू होगा कि इनको एनआरसी में रखें या नहीं रखें तो दिस इज अगेन वन टॉपिक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक भी है ये तो अस सी अभी कोर्ट और गवर्नमेंट इस पर क्या टेक लेती है हमें पता होना चाहिए एनआरसी क्या होता है कितने बार एनआरसी हुआ है और असम में एनआरसी क्यों कराया गया असम में नाइनटीन के कारण एन कराया और स्टेट का ये राइट होता है कि वो अपने सारे सिटीजन्स को आइडेंटिफाई कर पाए दिस इज विद इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड जनरल लॉज सो दिस इज़ एनआरसी प्रॉब्लम जो होती है वो होती है एग्जीक्यूशन में कि जो रूल्स बने हैं उसमें जेनुन एक्सक्लूड नहीं हो इस बात का ध्यान रखें प्रोसेस जो है वो सिंप्लीफाई करे सिंप्लीफाइड प्रोसेस होनी चाहिए ताकि जो जेनुन पर्सन है उनको किसी भी टाइप का कोई ट्रबल नहीं आए दिस इज एन आर सी अब ये है हाईवे टच डाउन ये हाईवे टच डाउन ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे इंडियन एयरफोर्स का जेट यहाँ पे लैंडिंग किया आजकल जो रोड्स बनाई जा रही है ना वो ऐसी बनाई जा रही है एक्सप्रेस वे कि इमरजेंसी सिचुएशन पे फाइटर प्लेन्स ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी वहाँ पे लैंड कर पाए कि सपोज वी आर एट वॉर हमारे जो रेगुलर जो एयरपोर्ट्स हैं रेगुलर जो स्टेशन है बेस स्टेशन है वो अंडर थ्रेट है तो उस केस में एक्सप्रेस वे में भी ये प्लेन्स टेक दिस लैंड कर पाए तो ऐसे ही डेमॉन्स्ट्रेशन पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में भी कहा डूअल यूज मोटर वे पे हर्क्यूलिस एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्टेशन भी लैंड किया विच इज गुड तो दिस इज द फ्रंट पेज देन यहाँ एक और अच्छी न्यूज़ हैरिटेज ढाओ टू शाइन ऑन ब्यूटिफुल गेम ये क्या है शिप है कोजिकोदे में क्राफ्ट्स मैन हार्ड वर्क कर रहे हैं रेडी कर रहे हैं अभी जैसे फीफा का वर्ल्ड कप होने वाला है कतर में तो यहाँ पर इस कोजिकोदे में बनी ये शिप को डिमॉन्स्ट्रेट किया जाएगा अब ये शिप इतनी स्पेशल क्यों है तो ये जो शिप है ना इस टाइप की शिप से अरब ट्रेडर्स इंडिया आते थे मॉनसून के वीडियो में देखा था ना यहाँ अरब है मौसम जो वर्ड है ना वो अरब अरब लोगों ने ही दिया है मौसम मतलब रिवर्सल ऑफ विंड जब विंड ऐसे बह रही है साउथ वेस्ट मॉनसून तो ये अरब से इंडिया आ जाते थे जब रिवर्सल ऑफ विंड, विंड विंटर होता था तो इंडिया से अरब चले जाते थे ट्रेड करते थे ये ट्रेड इंडिया और दिस अरेबियन पेनन्सुला इनके हमेशा बड़े क्लोज़र टाइज रहे तो इसी को रिक्रिएट करने के लिए ये जो वेसल यूज करते थे 800 साल पुराना जो सेल किया था कैरला में ढाओ बीइंग मेड एट चालियाम इन कॉजिकोदे अब स्पेशलिटी क्या है इसकी एक भी इसमें नेल नहीं है कोई मेटल पीस नहीं है जबकि जो ट्रेडिशनल कॉयर रोप है कॉयर किसके थ्रेड से बनता है आंसर कॉयर हमने जूट वगैरह पढ़े थे ना दिस इज कॉयर तो ये कॉयर रोप से बना है विल हेल्ड टूगेदर द टीक पीसेज तो ये टीक की बोट है और जो कॉयर है उससे ऐसे रस्सी से बांधा है नेल नहीं है इसमें तो दिस इज द तो वर्क स्पेशल डाओ पे हो रहा है टीक एंड कॉयर इन प्रोग्रेस एट दिस कॉजिको दे मेरीन ऑयल विल एड मोर स्ट्रेंथ टू द रोप वेन इट कम्स टू तो कॉन्टेक्ट विद द सी वाटर तो दिस इज ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म ट्रेडिशनल कल्चर है बोट मेकिंग का उसका डिमॉन्स्ट्रेशन भी होगा फीफा वर्ल्ड कप इन कतर अगेन हिस्टोरिकल लिंकेजेस रिवाइव कर रहे हैं इंडिया और दिस अरब पेनसुला के ओके दिस ऑल्सो टेल्स वन थिंग कि जो ये बोट मेकिंग है ना बोट मेकिंग में हम ट्रेडिशनली बड़े स्मार्ट और बड़े एडवांस्ड रहे ये तो ब्रिटिशर्स आ गए तो हमारा ये क्राफ्ट्समैन वगैरह थोड़ा बैकसीट ले लिया वरना देर वॉज अ टाइम इंडिया जो नेवी है नेवल स्ट्रेंथ है बोट्स हैं इसमें इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड था तो दिस इज देयर आगे जब नेवी की शिप्स बनाने की बात है ना तब भी इसको हम एड्रेस करेंगे ब्लू वाटर नेवी कोर्ट्स कैन नॉट इंटरफियर विद डे टू डे टेम्पल रिचुल्स इंडिया में रिचुल्स फॉलो करने का हक है सबको और कोर्ट का, का काम नहीं है डे टू डे रिचुअल्स पे इंटरफियर करना तो एक प्ली थी उसको क्वाश कर दिया गया तिरुमला टेम्पल से रिलेटेड आर्टिकल 226 और बत्तीस इसमें आप रेड पटिशन फाइल कर सकते हो थर्टी एक्सक्लूसिव सुप्रीम कोर्ट है और टू में आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो फंडामेंटल राइट्स अगर वॉलेट हो रहे हैं तो यू कैन गो टू तो कोर्ट ने कहा डे टू डे टेम्पल रिचुअल्स में हम इंटरफियर नहीं करेंगे ये करतारपुर कॉरिडोर कल ही हमने पढ़ा था ये रीओपन हो गया है रीओपन हो गया है दो में ये कॉरिडोर बना था ये दो इम्पॉर्टेंट श्राइन्स हैं एक है डेरा बाबा ना, नानक इन गुरदासपुर ये पंजाब में है और गुरदास गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर ये पाकिस्तान में तो ये ऐसे दो तीन किलोमीटर का ये कॉरिडोर है यहाँ वीज़ा फ्री एक्सेस मिलेगा पिलग्रिम को सो दैट इंडियन पिलग्रम्स जा सकते हैं यहाँ पर गुरुद्वारा दरबार साहिब इन करतारपुर तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का स्टेटमेंट है कोविड नाइन्टीन के कारण मार्च सोलह दो हज़ार बीस में ये बंद हो गया था अभी बर्थ एनिवर्सरी भी है सिखिज़म फाउंडर गुरु नानक देव जी की फ्राइडे को गुरुपुरब है तो इसीलिए इसको वापस ओपन किया जा रहा है तो करतारपुर कॉरिडोर टू टु री टुडे कोर्ट्स हैरिटेज डाओ दिस इज हाईवे टच डाउन एन आर सी सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू अब सेकेंड पेज में दिया है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ रेड लाइट है ना तो जबरदस्ती गाड़ी ऑन नहीं रखनी है स्विच ऑफ योर इंजेंस इट विल हेल्प सेव पेट्रोल भी होगा और पॉल्यूशन भी कम हो जाएगा तो दिस इज युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध कल हमने देखा ना कि हम सारा ब्लेम फार्मर्स पे डाल देते हैं स्टबल बर्निंग वो एक कॉज है बट वो केवल दस प्रतिशत कॉज है नब्बे प्रतिशत कॉज है वो दूसरी एक्टिविटीज़ है लाइक कंस्ट्रक्शन वर्क इंडस्ट्रीज वेक्यूलर पॉल्यूशन एक्सेट्रा तो अगर दिल्ली के पॉल्यूशन से बचना है तो इस पर वॉर फुटिंग पे गवर्नमेंट को भी और प्राइवेट सेक्टर को भी कॉमन इंडिविजुअल को भी कंबाइंडली एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे सो वी नीड योर हेल्प टू विन द वॉर अगेंस्ट पॉल्यूशन इन दिल्ली रेड लाइट पे स्विच ऑफ व्हीकल्स इंजन ऑफ पॉल्यूशन कम होगा और आपका पेट्रोल भी बचेगा तो दिस इज़ गुड अब जो ऐसी चीज़ें हैं ना इसके लिए कलेक्टिव एफर्ट्स बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं कलेक्टिव एफर्ट्स सो प्रिपेयर अ नोट ऑन दिल्लीज एयर पॉल्यूशन अब इसको हमने पहले भी तैयार किया था बट पहले हमने स्टबल बर्निंग को एक बहुत बड़ा फैक्टर माना था अब हमारे पास नई इंफॉर्मेशन है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है ऑब्जर्वेशन भी है सो अगेन प्रिपेयर अ नोट ऑन दिल्लीज एयर पॉल्यूशन विद लेटेस्ट फाइंडिंग विद रिगार्ड टू लेटेस्ट फाइंडिंग्स डिस्कस हाउ कैन इट बी इफेक्टिवली फॉट पाई गवर्नमेंट पीपल पार्टिसिपेशन तो ये पहला पार्ट हो गया सवाल जब भी आप लिखो ना तो सारे पार्ट्स को एड्रेस करना है अब इसमें दो पार्ट है अगर आपको से सौ वर्ड्स दिए हुए थे लेट इट से कि हंड्रेड वर्ड्स में लिखना है तो ऐसा नहीं होगा आपने अस्सी शब्द केवल यहीं लिख दिए और इसको पंद्रह बीस शब्द में जल्दी जल्दी लिख दिया नंबर्स नहीं मिले नंबर नहीं मिलेंगे बिकॉज इसका अलग वेटेज है इसका अलग वेटेज है तो आपको अगर 100 वर्ड्स में लिखना है तो से अराउंड 30 40 वर्ड्स में 30 वर्ड्स में पहला पार्ट लिखिए दिल्ली एयर पॉल्यूशन क्या है सीधा टू द पॉइंट लिखिए ज़्यादा वर्बोसिटी नहीं लाइए वर्बोसिटी नहीं मतलब जो चीज़ एक सेंटेंस में होती है उसके लिए तीन सेंटेंस यूज़ नहीं करना है वर्बोसिटी नहीं लिखना है और इंग्लिश नहीं लिखना है यहाँ पे आप सीधा फैक्ट्स और कंटेंट लिखो कंटेंट लिखो टू द पॉइंट प्रिपेयर अ नोट ऑन दिल्लीज एयर पॉल्यूशन सेकेंड दूसरे में ये बताओ गवर्नमेंट पीपल पार्टिसिपेशन क्यों जरूरी है और कैसे ये इफेक्टिवली फाइट कर सकता है दिल्ली के एयर पॉल्यूशन को अब यहाँ पे लिखो आप एग्जाम्पल्स अच्छा आंसर वो होता है जो सिलेबस के विदिन होता है सिलेबस के विदिन ये जैसे है एनवायरमेंट रिलेटेड चीज़ है जोग्राफी लिख सकते हो सिलेबस के कीवर्ड्स के विदिन लिखिए सेकेंड एक्स्ट्रा मार्क्स तब मिलते हैं एनरिचमेंट तब होता है जब आप इसमें कोई लेटेस्ट एक लेयर लगाओगे करंट अफेयर्स की करंट अफेयर्स की लाइक like कोई गवर्नमेंट की स्कीम्स लिखो जैसे दिल्ली का ग्रैप के मेजर्स आप लिख सकते हो या फिर स्मोक टॉवर्स बनाए गए हैं और इवन है इंडिविजुअल लेवल पे कैसे इनिशिएटिव लें कुछ एक यूनिक चीज लिखो एक्स्ट्रा एक लेयर लगाओ करंट अफेयर्स की यू विल फेच वेरी गुड मार्क्स ओके तो ट्राई टू आंसर शॉर्टकट तो कुछ है नहीं जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही आप इम्प्रूव हो गए रिफाइन हो गए ओके देन अच्छा अब आप स्कैन करते हो ना तो उसके लिए एडोब स्कैनर यूज करो ये बड़ा अच्छा है कैम स्कैनर बैन है मत यूज़ करो एडोब स्कैनर यूज करो इससे आप स्कैन करोगे ना तो इसमें ओ होता है ओ होने से जो आपकी राइटिंग है कैरेक्टर है वो बड़े अच्छे से स्कैन होता है देन उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो एज अ पी और एज अ जे पैक पिक्चर फॉर्मेट भी इसके बाद गो टू वेबसाइट वेबसाइट में डिस्कस भी इनेबल है आप लॉग इन कर सकते हो अपने गूगल अकाउंट एटसेट्रा से जस्ट अपलोड दोज पिक्चर्स वो जो पिक्चर्स हैं उसको आप अपलोड कर दो दैट्स ऑल इट्स वेरी इजी डू इट सो दिस इज दिस एंड अब है यू एन टूरिज्म बॉडीज ऑनर फॉर वीवर हब पोचमपल्ली प्ली का सवाल भी है पोचमपल्ली की साड़ी यहाँ पे इकत हैंडलूम्स होता है इकत ऐसे ब्लॉक टाइप होता है ऐसे पैटर्न्स होते हैं इकत हैंडलूम्स तो बेस्ट टूरिज्म विलेज का टैग मिला है सेंटर फॉर इक्थ हैंडलूम्स को पोचमपल्ली विलेज का है तेलंगाना में है बेस्ट टूरिज्म यू एन डब्लू टी ओ ने दिया है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टेरर वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन यू एंड डब्लू टी ओ तो पोचमपल्ली को ये टैग मिला है ये आर्टिसन विलेज है एक्सेप्शनल इकत वी व टेक्शर यहाँ का बड़ा अच्छा होता है ये ऐसी होती है कुछ इस टाइप की पोचमपल्ली फैब्रिक कॉम्प्लेक्स कलर होते हैं और ज्योमेट्रिक डिज़ाइन होती है अब आपको जैसे तुरंत बताना है तो ये दो कीवर्ड दिखने चाहिए कॉम्प्लेक्स कलर्स ज्योमेट्रिक डिज़ाइन इफ़ यू डायरेक्टली राइट दीज टू की आपको तुरंत ईजी मार्क्स मिल जाएंगे लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं बनाने और आप जब लिखते भी हो तो इसमें डायरेक्ट सेंटेंसेज का ज़्यादा यूज़ करो डायरेक्ट सेंटेंसेज एक्टिव वॉइस ज़्यादा यूज़ करो रीडेबिलिटी बेटर होती है ज़्यादा पैसिव और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरिंग नहीं रखनी है ओके सिंपल सिंपल छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाओ इससे आपका साइडवेज भी नहीं जाएगा आंसर ग्रामर की मिस्टेक भी नहीं होगी और जल्दी जल्दी अपनी बातें आप रख पाओगे ओके सो दिस इज इकथ हैंडलूम तो यू एन टी ओ ने इसको रिकोगनाइज किया पोचम पल्ली को अब वर्ड ये जो है यू डब्लू टी ओ इसका इनिशिएटिव है हाईलाइट करता है विलेजेस को जहाँ पे टूरिज्म प्रिजर्व करे वहाँ का कल्चर ट्रेडिशन डाइवर्सिटी अपॉर्चुनिटी बायोडाइवर्सिटी इन सब के लिए है यू एन डब्लू टी ओ का दिस टूरिज्म विलेज तो आइडेंटिफाई हुआ है पोचमपल्ली विलेज इन तेलंगाना हैंडलूम फैब्रिक कॉम्प्लेक्स जोमेट्रिकल डिज़ाइन एंड कलर्स तो ये क्या हुआ ये हुआ यू एन बॉडी ने ऑनर किया वीवर्स हब वीवर्स हब पोचमपल्ली अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है बिकॉज गवर्नमेंट का सारा फोकस जो है ना वो ट्रेडिशनल आर्ट क्राफ्ट्स ट्रा इन सब पे फोकस ज्यादा है हैंडलूम्स पे बहुत फोकस है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये नेचर्स आर्ट है बीच है ये विशाखापट्टनम विशाखापट्टनम का बीच बहुत ब्यूटिफुल है दिस इज नेचर्स आर्ट दिस इज मोडेड रश फॉर पिलग्रिम एट सबरीमाला ऑन डे वन सो दिस इज दिस पेज अब एडिटोरियल पे आते हैं फर्स्ट एडिटोरियल है फॉर मोर देन अवर ये waiver है, वीवर नहीं, वेवर है threat of sanctions undermines foundation of India US global strategic partnership again hum baat karte hain S400 triumph missile system ka see 2017 mein US ne pass kiya tha CAATSA CAATSA kya hota hai counter karna hai America ke adversaries through sanctions act मतलब America के जो adversary है दुश्मन है उनको counter करना है कैसे करना है Sanctions लगा के तो this is काटसा काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरी थ्रू सेंक्शंस एक्ट तो काटसा आया 2017 में इकोनॉमिक और ट्रेवल सेंक्शंस लगा देंगे उन सारे कंट्रीज पे उनके ऑफिशियल्स पे जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं सिग्निफिकेंट मिलिट्री और इंटेलिजेंस कॉन्ट्रैक्ट का रशिया नॉर्थ कोरिया और ईरान से मतलब रशिया नॉर्थ कोरिया ईरान से अगर कोई भी कंट्री सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन करती है मिलिट्री या इंटेलिजेंस का तो वहाँ के लोगों पर वहाँ पे कंट्री के ऑफिशियल्स वगैरह पे हम लगा देंगे काटसा ऐसा यूएस टे का काउंटरिंग अमेरिकन अमेरिकाज एडवर्जरीज थ्रू सेंक्शंस एक्ट तो 2017 में आया था अब ये जो एडिटोरियल है ना ये एडिटोरियल टेक जो है वो एक व्यू पॉइंट बता रहा है कि ये कादसा क्यों गलत है अब हमने पहले एस फोर हंड्रेड ट्राइम्फ तो पढ़ लिया कल ही देखा था काटसा भी हमने देख लिया ना दिस इज एडिटोरियल टेक ये जरूरी होते हैं एडिटोरियल बिकॉज एडिटोरियल से क्या होता है कई बार आपको अपना ओपिनियन देने को पूछा जाता है या फिर क्रिटिकली इवेलुएट करने को कहा जाता है तो उन केसेस में ये जो एडिटोरियल टेक का होता है ना व्यू पॉइंट ये बड़ा हेल्प करता है अब यहाँ हमारा व्यू पॉइंट क्या होना चाहिए कार्टसा में जैसे इंटरव्यू में ही पूछ लिया कि वॉट डू थिंक अबाउट इज दिस काट्सा वेदर इट इज़ ओके इंडिया को क्या करना चाहिए लाइक like दैट तो सी काटसा जो है ना ये अमेरिका का है ये कोई यूएन का तो है नहीं यूनाइटेड नेशंस का नहीं है एक वन पर्टिकुलर कंट्री यूएसए ने काटसा करके एक नियम बनाया है 2017 में टर्की और चाइना पे ऐसे सेंक्शंस लगे हैं हम ईरान से ऑयल ख़रीद रहे थे बट बिकॉज ऑफ यू प्रेशर वी बैकड ऑफ़ पेमेंट जैसे अभी एस फोर हंड्रेड ट्रैम्फ का है वो भी रुपी और रूबल में करने की कोशिश की गई है अब सी पहली दफ़े तो काटसा में प्रॉब्लम है दूसरा काट्सा में एक ऑप्शन भी है वो है वेवर का वेवर मतलब छूट मिलेगी तो इंडिया को छूट मिलनी चाहिए विद इन काट्सा क्यों क्योंकि इंडिया एक प्राइज्ड यूएस पार्टनर है इंडिया इज़ किंग इन दिस इंडो पैसिफिक और इंडो पैसिफिक की पूरे वर्ल्ड को बहुत ज़रूरत है तो इंडिया से अभी इंडिया सबके लिए एक प्राइज्ड पार्टनर है क्वाड में भी है हम इंडो पैसेफिक चाइना को भी काउंटर करना है तो यूएसए इंडिया को यहाँ पे डिसअपॉइंट नहीं करना चाहेगा

थर्ड पॉइंट इंडिया के रेस्पेक्ट में है कि जैसे ईरान से ऑयल ख़रीदना था तब तो हम ऑफ हो गए बट अब ज़रूरी है कि हम रशिया के टाइम पे रशिया के साथ अपनी एस फोर हंड्रेड ट्राइम्फ मिसाइल सिस्टम की परचेज़ में बैक नहीं करें क्यों क्योंकि एक तो इसकी रिक्वायरमेंट भी है वेस्टर्न कमांड हमने देखा बहुत ज़रूरत है इधर चाइना भी हॉस्टाइल ही हो रहा है तो प्रिंसिपल ऑफ सोवरिटी एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इंडिया इसको स्टैंड करना चाहिए अब जो काट्सा है उसको द गुड थिंग इज़ यू एस ए को क्वाश करना चाहिए बिकॉज इट नेगेट्स द वेरी रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर फाउंडेशन है इंडिया यू एस ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का कंट्रीज फ्री हैं वो किसी भी कंट्रीज से आप सामान खरीद सकते हो इस तरीके से काटसा लगाना अगेंस्ट है दिस इंटरनेशनल ऑर्डर के रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के तो ये हमारा टेक होना चाहिए फॉर दिस काटसा देन दिस इज अंबर एंड इकोनॉमी यहाँ प्राइमरली लिखा है इन्फ्लेशन का इन्फ्लेशन हाई है इन्फ्लेशन का थ्रेट बना हुआ है और स्टैग फ्लेशन का भी थ्रेट है प्लस डिफरेंट इंडिकेटर्स दिए हैं जैसे सी पी आई भी बहुत हाई है नंबर्स में नहीं जाना है ये चेंज होते रहते हैं सी पी आई हाई है ऑयल एंड फैट्स हाई है फूड का ज़्यादा है ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन ज़्यादा है पेट्रोल डीजल महंगा हो गया फ्यूल पावर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं उधर भी इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट दिखा है आईआईपी का जो डेटा है कल ही देखा था शार्प स्लो डाउन हुआ है नॉट राइट प्लस आईएचएस मार्केट भी देखा था हमने ऑल दो वो 55 है ग्रेटर देन 50 है बट वो एक्सपेंड नहीं हो रहा है तेजी से तो मॉनसून रेंज के कारण स्लंप भी आया माइनिंग पावर जनरेशन में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की अलग प्रॉब्लम है इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है और सेमीकंडक्टर चिप्स का शॉर्टेज भी है तो अभी तक ये जो मैन्युफैक्चरर्स थे ना ये कीमत बढ़ा नहीं रहे थे प्रोडक्ट्स की बिकॉज उनको डर था कि डिमांड आना और बंद हो जाएगी बट अब ज़्यादा टाइम तक वो अपनी कॉस्ट को कम भी नहीं रख पाएंगे बिकॉज यहाँ पर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी हो रहा है इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है तो ऐसे तो एक विशेष साइकिल चालू हो जाएगा इन्फ्लेशन और अप जा सकती है स्विंग हो सकती है ऊपर की तरफ पॉलिसी मेकर्स को इंश्योर करना ज़रूरी है कि वो प्रॉपरली गार्ड करें इन्फ्लेशन अब जैसे ये रियल पॉलिटिक है ओके ये लीड आर्टिकल है हैप्पी बॉन जैकब साहब ने लिखा है प्राइमरली इसमें स्पैक्यूलेशन है कि इंडिया को कैसे डील करना चाहिए अफगानिस्तान में अब ये एक वर्ड है रियल पॉलिटिक तो अगेन ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ सेप्टेम्बर को ही हमने ये वर्ड भी देखा था दिस वर्ड विच इज रियल पॉलिटिक रियल पॉलिटिक ये हमने देखा था दिस रियल पॉलिटिक ओके रियल पॉलिटिक क्या होता है जियो स्ट्रेटेजी में इंटरनेशनल अफेयर्स में ये वर्ड काफ़ी यूज़ होता है ये वर्ड हमने देखा था ऑकस अलाइंस के रेस्पेक्ट में रियल पॉलिटिक क्या होता है सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स और प्रिंसिपल्स जो प्रैक्टिकल हो रादर देन मोरल और आइडियोलॉजिकल कंसिडरेशन मतलब प्रैक्टिकली प्रैगमेटिकली आप इंटरनेशनल पॉलिसी बना रहे हो तो वो कहलाएगा रियल पॉलिटिक जियो स्ट्रेटी इसमें बहुत आती है तो ये चीज़ हमने ऑकस अलायंस में पढ़ा था कि इंडिया शुड लुक फॉर लुक एट ऑकस अलायंस विद कॉशन स्ट्रैटिक गेंस क्वाड दिस इज़ टाइम फॉर रियल पॉलिटिक सेम इज़ द केस विद दिस काबुल कश्मीर एंड द रिटर्न ऑफ रियल पॉलिटिक अफगानिस्तान से तालिबान अफगानिस्तान से डील कैसे करें कैच ट्वेंटी टू सिचुएशन है प्लस चाइना और दूसरा हुआ पाकिस्तान और तालिबान का अफगानिस्तान ये एक ट्रायो का बन रहा है इंडिया को एक्सेस ऑन ग्राउंड इतना ज़्यादा है नहीं हमारे पास जो है वो है सॉफ्ट पावर लाइक इनको ह्यूमन असिस्टेंस देना वीट फूड मटेरियल एक्सेट्रा फाइनेंस ये सब प्लस तालिबान को भी इंडिया की ज़रूरत होगी बिकॉज तालिबान बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा पाकिस्तान एंड चाइना पे वरना वो इनकी प्रॉक्सी बन जाएगा वो अपनी इंडिपेंडेंस ढूंढेगा तो ये ना इक्वेशंस बड़ी कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे बनी हुई है इंडिया को अपने बेस्ट इंटरेस्ट के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए रियल पॉलिटिक जैसे पोस्ट अमेरिका अफगानिस्तान है अब अमेरिका का विड्रॉवल है तो अब यहाँ पे नई कौन सी पावर्स जनरेट होंगी चाइना इकोनॉमिक पावर है और वो अफगानिस्तान को अपने साथ लाना चाहेगा बिकॉज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक्सपेंशन करना चाहता है प्लस जो अफ़गानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है हम वहाँ पे एड दें या नहीं दें दें तो हम कैसे दें डायरेक्ट एड दें या फिर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के थ्रू सप्लाई करें तालिबान को रिकग्नीशन दें या नहीं दें तो ये सब चीज़ें अभी चल रही है अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की मीटिंग भी हुआ इंडिया में इसमें दो कंट्री नहीं थे पाकिस्तान नहीं था चाइना नहीं था और ये दोनों कंट्री बड़े इंपॉर्टेंट हैं अफ़गानिस्तान के आज की डेट के अफगानिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं वहाँ डिसाइड करने के लिए बिकॉज ग्राउंड एक्सेस इन दोनों के पास बड़ा अच्छा है और ये जो पाकिस्तान और जो चाइना है वो ऑब्वियसली इंडिया को स्ट्रॉन्ग नहीं होने देना चाहेंगे अफ़गानिस्तान में प्लस इनका कश्मीर पॉलिसी क्या होगा ये हमारे कश्मीर में अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे तो हमें फिर एक्टिवली इनसे से कन्फ्रंटेशन करना पड़ेगा तो दीज आर सर्टेन एरियाज लेटस सी यहाँ पे अभी क्या होता है दीज आर जस्ट लाइक कि इंडिया को अपने लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट देख के आगे डिसीजन लेना चाहिए दिस पूरे एपिसोड में अब ये आर्टिकल है ना ये काम का आर्टिकल है सिलेबस कॉन्टेक्स्ट से और इसमें बड़े अच्छे फॉर्डर पॉइंट्स भी हैं एंड आउटरीच टू ट्राइबल्स दैट चेक्स ऑल द बॉक्सेस ट्राइबल्स को रिकग्नाइज करें ऑनर करें स्ट्रीमलाइन करें और इनके कॉन्ट्रीब्यूशन को यहाँ पे वेल well डॉक्यूमेंट भी करें ट्राइबल्स दैट चेक्स ऑल द बॉक्सेस। इट इज़ टाइम दैट वी एम्पावर अवर ट्राइबल हेरिटेज। तो इसीलिए लिए जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं कल्चर सिक्योर करें वेलफेयर करें इंडिया की ट्राइबल कम्युनिटीज का अब ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ जो ट्राइबल्स हैं उनको पहले इतना रिकोगनीशन नहीं था पहले था उनको रिकोगनीशन अगर आप रामायण की बात करो महाभारत की बात करो तो ये बताता है कि एक हारमोनीस रिलेशनशिप था फॉरेस्ट डवेलर और सिटी डवेलर अब क्या हो गया कुछ लोग शहर में रहने लग गए तो वो सिटी डिवेलर हो गए कुछ लोग जंगल में रहने लग गए तो वो फॉरेस्ट डिवेलर हो गए बट दोनों के बीच में एक हारमोनियस रिलेशन था तो दिस वॉज एशंट इंडिया फिर आते हैं ब्रिटिश British. ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था फॉरेस्ट रिसोर्सेज में बिकॉज इनको जैसे टीक चाहिए था फॉर दिस बिल्डिंग रेलवेज बनाना है स्लीपर्स बनाना है लाइक दैट तो उनको फॉरेस्ट रिसोर्सेज चाहिए थे और फॉरेस्ट में रहते थे ट्राइबल्स तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया ट्राइबल्स को एक क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया क्रिमिनल ट्राइबल्स एक्ट 1871 ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया और जो फॉरेस्ट डवेलर्स थे उनको उन्हीं के जंगल उन्हीं के रिसोर्स डिनाई कर दिए उनको ब्रांडेड क्रिमिनल्स बता दिया ये ब्रिटिशर्स का एक बहुत रॉन्ग पॉलिसी थी ये इसमें रेसिस्ट ओवरटोन्स थे स्टीरियोटाइप किया ट्राइब्स को एज अनसिविलाइज तो इस एक्ट ने बहुत डैमेज किया हमारे दिस हारमोनियस रिलेशन बिटवीन फॉरेस्ट ड्वेलर्स एंड सिटी ड्वेलर्स में एक फियर आ गया फियर जनरेट हो गया अगेंस्ट ट्राइबल कम्युनिटी अब क्या हुआ ट्राइबल कम्युनिटी को अगर आप पूरे रिवॉल्व देखो तो मेजर रीज़न क्या है कि जो बाहरी लोग आते हैं वो जो ट्राइबल कम्युनिटी का फॉरेस्ट है फॉरेस्ट से उनके राइट्स उनको डिनाई कर देते हैं उनकी ज़मीन छीन लेते हैं उनके रिसोर्सेज उनके जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे डिपेंडेंट है वो डिनाय हो जाता है तो ऑब्वियसली किसी से उनका घर छीनोगे तो वो तो फिर रिवोल्ट करेंगे ना तो ये प्राइमरी रीज़न रहा है रिवोल्ट का ट्राइबल कम्युनिटी में तो ऐसे इन्होंने फाइंड आउट किया कि ये जो फ़ॉरेन रूल है फॉरेन रूल जो ब्रिटिश का है ये प्राइमरी कॉज है सारे फ्रिक्शन का तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ ने भी वेपन्स पिक किए और प्रोटेस्ट भी किया रिवोल्ट भी किया इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में इसमें कुछ नाम है जैसे बिरसा मुंडा तांतिया भील नॉर्थ में सेंट्रल पार्ट में कोमाराम भीम ये सब नाम याद रखने हैं कोमाराम भीम एंड थलक्कल चंदू साउथ में रानी गैंडली थी नॉर्थ ईस्ट में ट्राइबल मूवमेंट्स डिफरेंट रीजन में हुए स्पिरिटेड बैटल्स थी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स कॉलोनियल रूल बट इनके जो रिजल्ट्स थे वो ट्राइबल्स के फेवर में नहीं गए क्यों क्योंकि ब्रिटिश की एक वेल इक्विप्ड आर्मी थी लेटेस्ट वेपन्स थे इनके पास रिसोर्स थे तो ज़्यादातर जो रिवोल्ट हुए वो सप्रेस कर दिए गए बाय दिस ब्रिटिश कॉलोनियल रूल अब इंडिया आज़ाद है तो ज़रूरी है कि हम ब्रिटिश कॉलोनी ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ने जो एट्रॉसिटीज़ की उसको रिवर्स करें और जो ट्राइबल्स कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इंडिया के फ्रीडम में इंडिया के कल्चर में उनका सिग्निफिकेंस उसको को मेमोरेट करें तो को मेमोरेट करते हैं नवंबर 15 को बर्थडे ऑफ भगवान बिरसा मुंडा जनजातीय गौरव दिवस एन्श्योर करते हैं फ्रीडम फाइटर फ्रॉम वेरियस ट्राइबल कम्युनिटीज़ हु इंडियाज इंडिपेंडेंस राइट फुल रिकोगशन नोट डाउन दिस वर्ड राइट फुल रिकोगशन इट विल ऑल्सो एंश्योर कि उनका हेरिटेज हुआ कल्चर हुआ वैल्यूज हुआ सात सौ पाँच ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं शेड्यूल ट्राइब में जो लिस्टेड हैं दस प्रतिशत पॉपुलेशन है हमारा इसको हम प्रोटेक्ट करें और एक्सेसिबल बनाएं अक्रॉस द नेशन तो दिस इज़ द वे फॉरवर्ड अब गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए हैं अगर किसी भी सेक्शन को एम्पावर करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन वहाँ पर हो लाइक जैसे रिजर्व किया हमने इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी जो सरकार का गठन है उस सरकार के गठन में जो ट्राइबल्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए तो इसलिए रिजर्व किया इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी तो इसमें आप देखो आज की डेट में जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं उसमें गौंड कम्युनिटी भी है संथल भी है मिजी भी है मुंडा टी ट्राइब कोकाना सोनोवाल कचरी कॉम कम्युनिटीज़ हैं तो इनको लॉ मेकर्स में रिप्रेजेंटेशन मिला दिस इज़ एम्पावरमेंट मॉनेटरी बेनिफिट्स जरूरी होते हैं आप उनको फाइनेंशियली वाइबल बनाओ एम्पावर करो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 को अमेंड किया 2017 में और जो बैम्बू है नो लॉन्गर क्लासिफाइड एज एजर्टरी मतलब बैम्बू कल्टिवे कल्टिवेशन बैम्बू का लाइक like, कट भी कर सकते हैं ईजीली तो इससे क्या होगा एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ ट्राइबल कम्यूनिटीज़ में प्लस फॉरेस्ट एक्ट में जो चेंजेस हैं तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है जैसे कि गोंद हुआ हनी हुआ ऐसे कुछ फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स उधर भी इनको राइट्स प्रोवाइड कराना ज़रूरी है बिकॉज इससे एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा दूसरी बात होती है तो पहला पिलर तो ये हुआ कि लॉ में रिप्रेजेंटेशन हो लॉ मेकर्स में दूसरा हुआ मॉनेटरी बेनिफिट तीसरा हुआ एच डी मतलब आप न्यूट्रिशन पर ध्यान दो हेल्थ पे ध्यान दो एजुकेशन पे ध्यान दो तो दिस इज़ एच एजुकेशन के लिए जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है एजुकेशन उसमें स्पेसिफिकली एम्फेसाइज किया है ट्राइबल के कल्चर रीजनल लैंग्वेज को भी हमें एम्फेसिस करना है तो जो ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं वो प्रोटेक्टेड है ट्रीटेड है ऑन पार लैंग्वेज मेंशन इन एट्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसमें कितनी भाषाएं हैं एट्थ शेड्यूल में इंग्लिश नहीं है नेपाली है तो एट्थ शेड्यूल की जो भाषाएं हैं उसमें जो भाषाएँ सबको ऑन पार ट्रीट करना है कल्चर और हेरिटेज को कंजर्व करना है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशल स्कूल्स को और आगे बढ़ाना है भगवान मिर्सा मुंडा वाज ओनली ट्वेंटी फाइव एन ही डाइड इन प्रिजन नाइनटीन हंड्रेड तो ये जो सुप्रीम सेक्रीफाइस है इसको भी ऑनर करना है ट्राइबल वुमेन फ्रीडम फाइटर्स हैं जैसे रानी गैंडली झा नो मुर्मू हेलन लैपचा इनको हमें ऑनर करना है जो अचीवमेंट्स हैं कॉन्ट्रीब्यूशन हैं ट्राइबल कम्यूनिटीज़ का कल्चरल हेरिटेज है प्रैक्टिस है ट्रेडिशनज़ है यंगर जनरेशन ऑफ इंडियन में दे शुड बी नोइंग दे शुड बी नोइंग ताकि हम जाने कि हमारा जो इंडिया है वो एक्चुअली में क्या है इट इज़ सो मच डाइवर्स एक्चुअल रियल इंडिया तो जो यंग जनरेशन है उसको भी इसकी जानकारी होनी चाहिए अब जैसे दस ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूज़ियम बनाने की भी बात है म्यूज़ियम में सारा कल्चर को कंजर्व किया जाएगा जैसे आंध्रा में छत्तीसगढ़ में गोवा में गुजरात में झारखंड केरला एम मणिपुर मिजोरम और तेलंगाना ऐसे करके दस जगह ट्राइबल म्यूजियम बनाएंगे तो सी पिछले कुछ टाइम पे ये टॉपिक हमने बड़े डिटेल में देखा पहले हमने शेड्यूल्ड ट्राइब पे आंसर लिखा फिर हमने फ्रीडम फाइटर्स पे लिखा है ना अभी हमने ये और सारी नई चीज़ें भी देखी इस तरीके से ग्रेजुअली जब हम पढ़ते हैं ना तो रिटेंशन ज़्यादा होता है और हमें पूरा आइडिया होता है कि न्यूज़ कैसे डेवलप हो रही है रिटेंशन बेटर होता है प्लस ये नोट्स आपके पास हैं ही वेन एवर यू आर गोइंग टू रिवाइज यू विल फाइंड दैट जब आपने वीडियो देखा है देन कुछ टाइम बाद आप इन नोट्स को देखोगे तो रिवीजन बहुत जल्दी होगा क्विक रिवीजन होगा और ये ही सीक्रेट है एग्ज़ाम का जो सीक्रेट है ना वो रिवीजन है कितना पढ़ा है इट डजेंट मैटर जो पढ़ा है वो अच्छे से पढ़ा है और उसका रिवाइज़ किया है रिवीजन किया है वो एक्चुअली डिलीवर करता है ओके तो सिस्टमेटिकली पढ़िए नेवीज़ प्लान फॉर अ वन सेवेंटी शिप फोर्स ऑन कोर्स अब यहाँ अगेन नेवी की बात है शिप बनाने की बात है बिफोर दैट ये है लॉन्गर टर्म बेटर इम्पैक्ट आर के राघवन साहब ने बोला है जो ऑर्डिनेंस के थ्रू पाँच साल तक का टेन्यर हो सकता है सी बी आई और ई डी डायरेक्टर का ये इन अ वे करेक्ट भी है बिकॉज कई बार केसेज लंबे खिंचते हैं तो कंटिन्यूटी है तो उससे बेटर डिसीजन मेकिंग हो पाता है बट अगेन कल हमने देखा था ना कि जो लेजिस्लेटिव हैं उनका प्लीजिंग नहीं होना चाहिए वो डॉक्ट्राइन जो है कि ऐसा नहीं हो कि सरकारी जो अधिकारी हैं वो केवल जो पॉलिटिकल नेता लोग हैं उन्हीं के विम्स एंड फैंसीज पे डांस करने लग जाए नो देन बैक टू स्क्वायर वन मुल्लापेरिया डैम में फिर से डिमांड हो रहा है इसका हाइट बिकॉज बढ़ रहा है केरला को डर है डैम टूट जाएगा जेंडर इम्बेलेंस क्लाइमेट टॉक नो दिस इज ऑल्सो एन ये एक आयरन ही है हमारे यहाँ बहुत सारे विमेन रिलेटेड डिसीजंस भी होते हैं बट उसमें विमेन रिप्रेजेंटेशन नहीं होता जेंडर इम्बेलेंस है तो कॉप में भी देखा गया विमेन प्रॉपरली यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं था इवन हमारे पार्लियामेंट में भी आप बताओ कितने पार्लियामेंटेरियंस हैं उसमें विमेन परसेंटेज क्या है जो संसद होते हैं ना संसद में विमेन परसेंटेज क्या है बताइए ये भी जो नंबर है ना वो अच्छा नहीं है दिस टेल्स स्क्यूड है हमारे यहाँ जेंडर इम्बेलेंस है दैन सी बी आई इज़ एन ऑटोनोमस बॉडी ये नेवी का प्लान है अभी जो आज की डेट में सबसे तेजी से जिसकी नेवल स्ट्रेंथ बढ़ रही है ना वो अगेन चाइना है चाइना जितनी शिप्स बना रहा है एक साल में विच इज़ ग्रेटर दैन कलेक्टिव शिप्स जो पूरा वर्ल्ड बना रहा है तो जिस स्पीड से चाइना अपनी नेवल स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है वो अलार्मिंग है इंडिया को भी ज़रूरी है कि हम अपनी शिप्स को स्ट्रेंदन करें हमारे पास अभी एक एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहा है हमें को दूसरा भी इंडिजीनस एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए होगा तो मेरी टाइम केपेबिलिटी परस्पेक्टिव प्लान में सेकेंड इंडिजीनस कैरियर एयरक्राफ्ट कैरियर की भी रिक्वायरमेंट बताई है प्रोजेक्ट फिफ्टीन भी क्या है इसमें स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स बना रहे हैं हम स्टेल्थ मतलब जो रडार में डिटेक्ट नहीं हो स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर विशाखापट्टनम बन रहा है और स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन वेला नवंबर 25 तक आ जाएगी वेला सबमरीन विशाखापटनम प्रोजेक्ट फिफ्टीन बी स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर की भी रिक्वायरमेंट है कैपेसिटी बढ़ाएं हम कैपेसिटी बढ़ाएं और नंबर ऑफ शिप्स की भी हमें नंबर्स भी बढ़ाने की ज़रूरत है जैसे अभी करेंटली हमारे पास 130 थर्टी शिप्स हैं अर्लियर प्लान टू अचीव टू हंड्रेड बट उसको वन सेवेंटी किया गया टू थाउजेंड ट्वेंटी सेवन तक तो अभी दो हज़ार इक्कीस चल रहा है सत्ताईस तक हमें एक सौ सत्तर शिप चाहिए होगी सो so दैट हम इंडियन ओशन रीजन में अपना डिफेंड कर पाएँ चाइना का बहुत सुपीरियर नंबर्स है दिस शिप बिल्डिंग में भी सबमरीज में भी हमको मैच करना जरूरी है अप टू सर्टन एक्सटेंट इंडियन ओशियन जो है ये हमारा स्ट्रेंथ है यहाँ हमें हमारी स्ट्रेंथ को मेनटेन करना चाहिए तो याद क्या रखना है प्रोजेक्ट फिफ्टीन भी ये वेला है सबमरीन और इंडियन ओशन रीजन दो हजार सत्ताईस चाहिए ओके देन नो डिस्क्रिमिनेशन प्राइम मिनिस्टर ने कहा स्टेट्स में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है अफगानिस्तान यूएसए डिप्लोमीट दिप्लो डिप्लोमैट का मीट हुआ दिल्ली के स्कूल्स फिर से बंद हो रहे हैं नवंबर इक्कीस तक स्कूल्स बंद तो इस बार कोविड के कारण नहीं पॉल्यूशन के कारण ये स्कूल बंद है तो अगेन नॉट राइट देन दिस इज सिंगापुर टू लिमिट क्वारंटीन फ्री एंट्री कम्युनिटी किचन अभी मीटिंग हुआ बाइडन और शी का अग्री ऑन नीड टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट अमिड डिफरेंसेस डिफरेंसेज हैं बट कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करें वर्चुअल समिट था ताइवान पे अभी बात अटक रही है ताइवान बिकॉज मिस्टर शी जिनपिंग की जो भी पॉलिसी है ना वो पूरा ये इंडिकेट कर रही है कि ताइवान को कम्प्लीटली चाइना ओवर अपने अंदर मिलाना चाहता है और ताइवान बिकॉज स्ट्रांग होल्ड है वेस्टर्न वर्ल्ड्स का भी डेमोक्रेसी सेमीकंडक्टर चिप की सप्लाई तो ये कन्फ्रंटेशन पॉइंट बन सकता है चाइना वर्सेज वर्ल्ड चाइनाज ई यू एन वॉयस इज नो फ्लेक्सिबिलिटी ऑन ताइवान देन ये फर्टिलाइजर्स हैं श्रीलंका में शॉर्टेज पोलिश फोसेज यूज़ वाटर कैनज ऑन माइग्रेंट अब यहाँ पे बेलारस ने बहुत सारे माइग्रेंट्स इकट्ठा कर लिए और वो पोलैंड से होते हुए यूरोपियन यूनियन जाना चाहते हैं पोलैंड ने यहाँ पे फौज उतार दी और इनको स्टॉप कर रहा है और इस बात पे कंफ्रंटेशन हो रहा है यहाँ जो वर्ड है की वर्ड वो याद रखना है माइग्रेंट्स एज वेपन्स वेपनाइजेशन ऑफ माइग्रेंट्स और माइग्रेंट क्राइसिस का रूट कॉज क्या है सोल्यूशन क्या है रिकवरी टेकिंग होल्ड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट शुड रिज्यूम शक्तिकांता दास साहब ने कहा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा जो लाना जरूरी है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट देन एम एन सी टू एक्ट एज विसल ब्लोवर आर बी आई वॉइड हंड्रेड रिडन रिडन मतलब अब जो काम के नहीं हैं सर्क्यूलर्स यूएस रिटेल सेल बीट एक्सपेक्टेशन नॉर्मल सी यू एस में भी आ रही है हाईकोर्ट ने सी सी आई अमेजोन केस अभी भी चल रहा है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया कोरोमंडल सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट आंध्रा में बना रहा है जीएसटी अब रॉ मटेरियल पे कट होगा दिस डिमांड है अभी ये डिमांड है आई ऑन कट जी एस टी ऑन बिल्डिंग रॉ मटेरियल सो दैट हाउसिंग प्राइस कम हो वरना हाउसिंग प्राइस में भी इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है इनपुट कॉस्ट ज्यादा हो गई है रोहित अब टी का कैप्टन है द्रविड़ कोच है टेक चार्ज देन आज का जो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट है उसमें पहला तो है इंक्रीज्ड डिस्बर्जल इतने करोड़ का डिस्बर्जल अभी स्टेट्स को दिया गया है सेंटर टू स्टेट ताकि स्टेट सस्टेन कर पाए अपनी ग्रोथ को इकोनॉमिक रिकवरी को नॉर्थ ईस्ट के एक्सपेक्टेशंस हैं वैक्सीनेशन डाइवर्सिफाइंग होल्डिंग्स ज़रूरी है सब डाइवर्सिफाई करने का प्लान कर रहे हैं आजकल नो क्वारंटीन ट्रेवल एंड दिस इज़ वर्ल्ड कप फाइनल फुटबॉल ये जो है ना इसमें बेसिकली यही बताया एग्जामिनिंग द इम्पैक्ट ऑफ कर्ट्स कि कुछ टाइम पहले एडिबल ऑयल की प्राइस स्काई रॉकेट थी फ्यूल की भी स्काई रॉकेट थी तो फ्यूल में इन्होंने क्या किया जो एक्साइज और वेट है उसका कट किया एडिबल ऑयल में भी मेजर्स लिए लाइक होल्डिंग नहीं होगा मैक्सिमम प्राइस डिसाइड कर रहे हैं इंपोर्ट लाने की सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं लाइक दैट तो इससे हेल्प तो मिला है बट वो सफिशेंट नहीं है तो ग्राफ्स के थ्रू ही विजुअल्स यहाँ पे बस यही एक बताया लिटिल रिस्पाइट एट द टाइम ऑफ पंप सिटी वाइज कंपैरिजन है एट्सेट्रा एट्सेट्रा ये एक आर्काइव का आर्टिकल है फ्रॉम द डिजिटल करेंसी प्लान मेड इन चाइना अब जैसे चाइना है ना चाइना डिजिटल अपनी ऑफिशियल करेंसी ला है डिजिटल ऑफिशियल करेंसी लाइक जैसे बिटकॉइन वगैरह हैं ये तो मतलब किसी सेंट्रल बैंक के द्वारा बैक नहीं की गई है तो ऐसी ही क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी अगर कोई सेंट्रल बैंक बैक करके उतारे तो वो हो जाएगी वहाँ की डिजिटल ऑफिशियल करेंसी सो हम भी यही पॉइंट बोल रहे थे आर भी बोल रहा था वी आर नॉट अगेंस्ट दिस लेजर वी आर नॉट अगेंस्ट दिस क्रिप्टो नो वी जस्ट वॉन्ट कि इसमें एक प्रॉपर रेगुलेशन हो एक सेंट्रल बैंक या एक अथॉरिटी हो जिसको बैक करे सो दैट यहाँ पे फ्रॉड्स नहीं हो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हो और जो गलीबल इन्वेस्टर्स हैं उनमें हैवी लॉसेज नहीं हो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो और एंटी नेशन एक्टिविटीज में इसका यूटिलाइज नहीं की जा सके इन सब चीज़ों के लिए था तो ये चाइना का एग्जाम्पल है चाइना डिजिटल करेंसी प्लान वहाँ का जो बैंक है वो ऑफिशियल डिजिटल करेंसी लाने की बात कर रहा है इसमें अभी हमें बहुत ड्वेल नहीं करना चाहिए ये वेस्टेज ऑफ टाइम होगा जब तक आर नहीं बोलेगा कोई फाइनल नहीं है बिकॉज आर जिसको ओके okay करेगा वही पॉलिसी आगे बढ़ेगी कैन वी वॉश अवे द रेन्स ये पांच किताबें लिखी गई है विच ट्रेस द रूट्स ऑफ इकोलॉजिकल डिजास्टर बिब्लियोग्राफी बिब्लियोग्राफी एक वर्ड होता है बिब्लियो वो क्या होता है आंसर बिब्लियो किसको बोलते हैं ये बिब्लियोग्राफी है तो यहाँ कुछ किताबें लिखी हैं जैसे वीजू बी जर्नलिस्ट की किताब है केरला में फ्रिक्वेंट कैलॉमिटीज़ आती है फ्लड एंड फ्यूरी तो आपने इकोलॉजिकल डिवास्टेशन इन द वेस्टर्न घाट्स के बारे में किताब लिखा वेस्टर्न घाट्स बहुत सेंसिटिव एरिया है हॉटस्पॉट भी है अनप्लैंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण ये जो फ्लड है उसका फ्यूरी बढ़ गया है ये यहाँ पे बताया कि टोपोग्राफी बहुत यहाँ पे फ्रेजाइल है देन द कैरेक्टर ऑफ रेन भी चेंज हो गया है पहले बारिश होती थी आजकल तो वाटर बॉम्ब होते हैं मॉन्स्टर ट्रिगरिंग लैंड तो इससे डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होता है प्लस ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं तो उससे हमने फ्रेजिलिटी बढ़ा दी है 2019 की एक दूसरी बुक है रिवर रिमेंबर्स ये कृपा जी ने लिखा है तो इसमें भी इन्होंने यही बात बताया कि वाटर बॉडीज़ जैसे एनक्रोचमेंट हो जाता है और जो लेक है वो एक्ट एज अ बफर करती है अब रहेगी लेक ही नहीं रहेगी तो फ्लडिंग बढ़ जाएगी दिस इज़ द रीज़न कि फ्लड्स क्यों आ रहे हैं फिर अ पैराडाइज बिल्ट इन हेल पैंगविन रेबेका सोल्थ ने टू की बुक है अगेन हरिकेन कैटरीना आया था तब भी लोगों ने डिज़ास्टर्स का फ्यूरी देखा सोसाइटी का क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए जब डिजास्टर आए तो कम्युनिटी वर्क क्या हो सोसाइटी का वर्क क्या हो दिस थिंग कलेक्टिव एफर्ट्स फिर शेखर पाठक की बुक है चिपको मूवमेंट से रिलेटेड है पीपल्स हिस्ट्री अभी भहुगुना भहुगुना जी के टाइम पे भी हमने इसको रेफ़र किया था चिपको मूवमेंट तो इस बुक में भी यही लिखा है कि हमें ना एक फॉरेस्ट को ट्रीज़ को अपना एक पार्ट ऑफ फैमिली की तरह रखना पड़ेगा और उनको कंजर्व करना पड़ेगा तभी हम इन सब डिजास्टर से खुद को सेफ कर सकते हैं नाइनटीन एटीज़ की एक और बुक है चेजिंग द मानसून मानसून और उसका डिस्ट्रक्शन रिलेटेड बातें हैं सो ये कुछ किताबें हैं किताबें पढ़ना जरूरी है तो लेटस ट्राई वन दिस क्वेश्चन रीडिंग शुड नॉट बी प्रेजेंटेड टू चिल्ड्रन एज अ शो अ ड्यूटी ड्यूटी नहीं इट शुड बी ऑफर्ड एज अ गिफ्ट ये गिफ्ट है बिकॉज ये चिल्ड्रन को क्या करेगा एम्पावर करेगा उनके बहुत सारे दिस व्यू पॉइंट डेवलप होगा आगे के रास्ते खुलेंगे तो दिस इज़ अ गिफ्ट रीडिंग जो है बुक्स जो है ये एक गिफ्ट है तो ट्राई टू एलेबोरेट दिस स्टेटमेंट अब ये स्टेटमेंट क्यों दिया है बिकॉज़ राइटिंग स्किल्स भी आपकी देखते हैं आप कैसा आंसर लिख पाते हो उसमें एथिक्स में अक्सर इस टाइप के सेंटेंसेज आने लग गए और उसको एलैबोरेट करो ऐसे के रूप में भी आप इसे देख सकते हो ट्राई टू एबोरेट थिंक फाउंडेशनल वैल्यूज़ लिखिए रीडिंग के बेनिफिट्स बताइए ट्राई टू री कि ये एक गिफ्ट है इसको आप डिजिटल से भी कनेक्ट करो आज के बच्चे होते हैं वीडियोस ज़्यादा देखते हैं रीडिंग एबिलिटी होती नहीं है तो इसको कैसे कनेक्ट करें गिफ्ट है ये ट्राई टू फोकस अब ये जो क्विज है ये जो क्विज है ना इसको यहाँ पे इन्होंने अभी जो स्वेज कैनाल क्राइसिस था उससे रिलेटेड है एक बार आप देखना दो बिग बॉडीज वाटर की जो कैनाल कनेक्ट करती है इसको मैं अभी क्विकली शेयर कर रहा हूँ आज पॉजिटिवली आई एल डू ओके ये पाँच सात सवाल है रिलेटेड टू स्वेज कैनल ओके okay. ये थ्री फोर्टी वन किलोमीटर का एक्सप्रेस वे है द इंडियन एक्सप्रेस में सो ये हिंदू था ये इंडियन एक्सप्रेस है प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे लैंड भी कराया दिस हरक्यूलिस थ्री फोर्टी वन किलोमीटर का एक्सप्रेस वे लखनऊ से गाजीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेस लैंडेड इन अ मिलिटी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ऑन स्ट्रेच यूज बाई आई एफ एज एन इमरजेंसी एयर स्ट्रिप एक्सिलेंट ये क्रिप्टो है आरबीआई चीफ ने क्या बोला नॉट इनफ डिबेट नहीं हुआ ऑफिशियल्स वेरी है क्रिप्टो बढ़ती जा रही है आज इंडिया में भी बहुत सारा बिटकॉइंस वगैरह चल रहा है बट उसका कोई रेगुलेशन है नहीं तो ऑफिशियल्स इस पर वेरी है लेट्स वेट फॉर सम टाइम ये इस पे एक डिसीजन आने वाला है देन दिस इज गुजरात फूड वेंडर्स बैक टू स्कूल देन वेट कट हुआ नो वन बर्न माई कॉटेज ग्रीनर एंड ब्राइटर डीकार्बोनाइजेशन कार्बन को कम करें अनफ्लिंचिंग गेज ट्रांसफर एंड ट्रांसपेरेंसी ट्रांसफर में ट्रांसपेरेंसी होना ज़रूरी है रशिया ने एक सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय दिस, किया बाय मिसाइल तो उससे उसके टुकड़े जो होते हैं वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को खतरा तो नहीं बनेंगे इस बात पे सवाल उठ रहा है कि स्पेस एक्स है आईएसएस फाइजर अब दूसरी कंपनीज को भी अपनी कोविड वैक्सीनेशन बनाने का परमिशन देगा बाइडन और शी की मीटिंग हुई डेथ स्टॉक स्कॉर्पियन एक विलेज में अटैक हुआ है स्कॉर्पियस का एंटीबायोटिक का कंजम्पन बढ़ गया है एस फोर हंड्रेड का परचेज़ और इसके इम्प्लिकेशन होंगे लेट्स वेट एस फोर हंड्रेड आ ही गई है देखते हैं काटसा में क्या डिसीजन आता है अभी बहुत स्पैकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं लेट्स वेट ओवरऑल मेडिसिन है फॉर डायबिटीज़ असम ये है एक्सप्रेस वे सी ये यहाँ से लखनऊ से स्टार्ट हुआ है और ये यहाँ तक जा रहा है गाजीपुर सिटी यहाँ तक पूर्वांचल ये जो एरिया है दिस इज पूर्वांचल और फिर बिहार चालू हो जाएगा दिस इज एक्सप्रेस वे फेस्टिव बूस्ट है पेंटअप डिमांड है तो इससे रिकवरी हो रही है ओके सो दिस इज द इंडियन एक्सप्रेस ऑल राइट सो आज के सवाल हैं ट्राई टू एलेबोरेट दिस स्टेटमेंट एंड प्रिपेयर दिस क्वेश्चन ऑन एयर पॉल्यूशन एम्फेसाइज करिए गवर्नमेंट पीपल पार्टिसिपेशन पे ऑल राइट right? So this is 17th of November 2021 thank you so much for watching this video take care study well and be safe